गीतम का अंग्रेज नेता शकील रिजवी की सड़क दुर्घटना में शिवम पांडे की मौत का गहरा कनेक्शन सामने निकलकर आया है। बता दें कि बीते 17 जनवरी को कोड़ेनार थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में शिवम पांडे की मौत हो गई थी। दुर्घटना को लेकर कुछ आरोप हैं, आरोपी कौन है, क्या कुछ मामला बताएं? उसमें पहले हम लोगों को जैसे बस दुर्घटना की ही घटना बताई गई थी अज्ञात वाहन से, पुलिस द्वारा भी वही बताई गई थी, लेकिन बाद में जब हमारे परिजन स्पॉट पर जाके पता किए तो उससे जानकारी मिली कि शकील मोहम्मद रिजवी गिदम निवासी ने कार के द्वारा मेरे पुत्र जो जगदलपुर से आ रहे थे शिवम पांडे, वो अपने साइड में थे, उनको अपनी कार से ठोकर मारते हुए 100 मीटर तक की दूरी तक घसीटते हुए उसकी हत्या की है। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसमें मामला 302 इरादतन हत्या का, रन इन हिट का मामला बनना चाहिए और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन से जब बाहर वो घूम रहा है, वो साक्ष्य छुपाने की पूरी प्रयास कर रहा है। पुलिस को और आपको लोगों को भी गुमराह करने तक किसी तरह कोई बात नहीं? गुमराह पूरा पुलिस को भी उसने गुमराह किया, क्योंकि वो स्वयं मामला को छिपाते हुए स्वयं प्रार्थी बन के वहाँ पर FRI दर्ज कराया है और अपनी गाड़ी को झाड़ियों में लुकाया। इससे संबंधित समझ में आ रहा है बात कि वह अपने इरादतन हत्या करते हुए अपने दोष को छुपाने का प्रयास किया है। रसूखदार वो नेता है, मुख्यमंत्री के साथ वो देखा गया है, तो क्या लग रहा है? इससे ये लग रहा है कि न्याय की उम्मीद कम लग रही है। अगर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के तक भी ये बात पहुँचाई जाए कि ऐसे लोग उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और वो उनका सहारा लेके पुलिस को भी दबाव में डालकर अपने मामले को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त से अब तक क्यों बाहर है? वही मामला तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक क्यों गिरफ्त बाहर है, क्योंकि कल हमारे परिजन जब गए थे जगदलपुर के लिए तो कोड़ेनार थाना से वो निकलते हुए भी देखा गया है और जगदलपुर में घूम रहा था। आरोपी पे हमने वही बात बोला कि यह इरादतन हत्या का केस बनना चाहिए, 302 का, रन एंड हिट का, क्योंकि उसने कहीं ब्रेक नहीं मारा है और वो 100 मीटर तक हमारे बच्चे को घसीटते हुए जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक वह घसीटता रहा और उसके बाद उसने शव को निकाल के अपनी गाड़ी को छुपा के स्वयं प्रार्थी बन के FRI किया है और पुलिस को भी गुमराह किया है।